और इस स्वागत के कार्यक्रम में हमारे बीच जीत की धुरी भी रहे हैं बड़े भैया आशीष शर्मा जी विधायक महोदय जोरदार उनके लिए हम तालियों से स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हमारे बीच में रही है आठ पिपलिया विधानसभा चुनाव में। साथ ही हमारे युवा अध्यक्ष वीरेंद्र राजावत जी उपस्थित हमारे जहाँ कार्यक्रम में उपस्थित है भाई अजय जी विष्णुई और मेरे ही पिताजी के साथ से शुरू से कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं भैया बलराम थोरी जी। साथ ही इस कार्यक्रम को कई दिनों से जो पेंडिंग था उसको आज माता जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए हमारे सुभाष जयसवाल जी ने जो कार्यक्रम रखा है तो सुभाष भैया के लिए भी जोरदार तालियां। हमारे मंडी के अध्यक्ष यादव साहब साक्या जी यहाँ पर उपस्थित समस्त क्योंकि सबके नाम नुआ तो ये समय बहुत ज्यादा हो जाएगा पहले लेट हो गए हैं। मैं आप सबको दिल से नमन करता हूँ आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद का अर्पित करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी कई लोगों का यहाँ पर हमें सहयोग मिला है और विशेष रूप से ये पूरी टीम तो हाथ पिपला में लगी थी जिसमें जीत का श्रेय निश्चित रूप से और विशेष रूप से इसलिए कि प्रॉपर हाथ पिपला में आज तक इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है जो यहाँ के विधायक जी के नेतृत्व में वहाँ पर हुई है। इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि कई वर्षों से आप कहीं न कहीं मुझे या पूरे परिवार को जानते हैं। लगातार सेवा करना एक लक्ष्य है इतना आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं कि एक बड़े भाई हमारे अगर आशीष शर्मा जी यहां पर विधायक है तो उनका छोटा भाई देवास में भी एक परिवार के रूप में आपका सदस्य रहेगा और किसी भी छोटी से छोटी कोई बात हो तो एक घर आपका निश्चित रूप में वहां पर है। मैं यही विश्वास दिलाता हूँ और आप सबको फिर से कोटि नमन करता हूँ आपका धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के लिए हमारे भाई अजय विष्णुई जी और उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय जी हासिल की भाई अजय जी भी सुभाष जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी मंडल खाते गांव नेमावर हरण गांव तीनों के द्वारा और इस खाते गांव की जाबाज जनता के द्वारा जोरदार तालियों के साथ उनका विधायक बनने के बाद पहली बार निश्चित ही पहले भारतीय जनता पार्टी के देवास जिले में तीन विधायक थे अब हम चार हो गए और एक और बचा है वहां भी कमल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा ये विश्वास के साथ मैं कह सकता मनोज भैया पास फिलिप थे तो जीतू पटवारी जी के साथ आए थे जीतू पटवारी जी को मनोज भैया छोड़े आए
रहो और ये कहा है कि आप यहीं पर रहिए, आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार है, इसलिए मनोज भैया का बहुत अभिनंदन है। आपके साथ मिलने भारतीय जनता पार्टी को नई ताकत मिली है, निश्चित ही हम सब युवा साथ मिलकर इस देवास जिले में कोने कोने तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने के लिए।